यातायात माह के तहत मंगलवार को एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बिना हेलमेट के चल रहे दो पहिया वाहनों पर अभियान चलाया और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान काटा, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि महानगर में जो दो पहिया चालक बिना हेलमेट के वाहन चला रहे हैं और जिन वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं है या नंबर अंकित नहीं है, ऐसे गाड़ियों की चेकिंग कर चालान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर में प्रतिबंधित काले ऑटो को भी सीज किया जा रहा है। इस संबंध में गुरुपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा, दोपहिया वाहन चालक जो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं और जिनकी नंबर प्लेट ठीक नहीं है, उनके ऊपर अभियान चल रहा है। इसके अलावा काले ऑटो अगर शहर में आ रहे हैं जो मिल रहे हैं, उनको सीज किया जा रहा है। अनऑथराइज्ड जो वाहन चल रहे हैं, जो ग्रीन भी ऑटो हैं, यहाँ पर खड़े हो जाते थे शास्त्री चौक पर, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जा रही है। कई ऑटो को यार्ड में भेजा गया है। ये लगातार कार्रवाई की जा रही है, यातायात नियमों का पालन कराया जा रहा है।